मकर संक्रांति आते ही पतंगबाज एक दूसरे की पतंग काटने के लिए अपने अपने घरों की छतों पर नजर आने लगे। लेकिन यह पतंगबाज एक दूसरे की पतंग काटने के लिए चाइनीज मांझे का उपयोग कर रहे, जिसकी वजह से अभी तक कई हादसे हो चुके। इसके बाद भी लोग इस खतरनाक मांझे का उपयोग करते हुए नहीं मान रहे, जिसके चलते आज एक बाइक सवार चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिससे उसका गला कट गया। चाइनीज मांझे को मार्केट में बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी यह चाइनीज मांझा बाजार में आराम से बिक रहा है। इस बारे में लोगों को और जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप लोग मार्केट से इस खतरनाक मांझे को खरीदोगे ही नहीं तो दुकानदार इन्हें बेचना भी बंद कर देगा। जानकारी के अनुसार बाबूलाल पिता तेजमल खटीक, जो कि बल्लियास का निवासी है, आज बाबूलाल अपने किसी कार्य से बाइक से जा रहा था। बाबूलाल रामसनी अस्पताल के बाहर पहुंचा ही था कि इसी दौरान वह उड़ रही पतंग के चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिससे उसके गले में गहरा घाव हो गया। घायल को वहां से निकल रहे राहगीरों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे ट्रोमा वार्ड से डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां घायल बाबूलाल के गले का ऑपरेशन किया गया। देखिए, मकर संक्रांति के अवसर में जिस तरह से ये त्योहार हम लोगों को हर्षोल्लास से मनाते हैं, तिल के और इनके लड्डू खाते हैं और पतंग उड़ाते हैं, लेकिन जिस तरह का मांझा लोग बाग काम में लेने लगे हैं इस प्रतिस्पर्धा के चक्कर में कि कहीं हमारी पतंग कट ना जाए। पतंग एक ख्वाब है जो लोग बाग देखते हैं, लेकिन उसकी हकीकत में जब हम इस तरह के धागे काम में लेते हैं तो देख, अभी आपने देखा इस मरीज के गले में धागा लिपट गया और काफ़ी गहरा कट इसको आया है, इसको खून भी चढ़ाने की अब नौबत आई है। ये जो धागा होता है इसमें क्या होता है कि मेटेलिक पाउडर और कांच के टुकड़े मिला के इसको धार देने की कोशिश की जाती है। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर का भी काम करता है, जिससे मरीज की अगर कट ज़्यादा लग जाए, कई नेक के अंदर जो वेसल्स होती हैं वो कट जाती है, तो मरीज की जान भी चली जाती है। तो इसके 5-7 पेशेंट आज हमारे आए हैं। आपके माध्यम से मैं यही लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि पतंग उड़ाएं, लेकिन अपनी डोर को कटने से बचाने के लिए किसी की ज़िंदगी नहीं लें।